नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। कोई माने या ना माने, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने पर जो ढोलता से पीटे गए, वह महत्वाकांक्षा और अवसरवादियों को प्रोत्साहन देने के अलावा कुछ नहीं है। यह राजनीति का वो दुर्दांत चेहरा है जो निसंदेह आम व्यक्ति तक को उद्वेलित करता है। अभी दो हफ्ते पहले ही यही सिंधिया दिल्ली मसले पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, दोषी बताते नहीं थकते थे, मगर आज शाह मोदी और भाजपा भक्त हो चुके हैं। पर अब यह कैसे स्वीकार होगा कि सिंधिया राष्ट्रवाद के झंडे के डंडे को पकड़ने वाले मजबूत हाथ हो सकते हैं। सिंधिया जैसे लोग भारत राजनीति के अपमानित स्तंभ हैं, जो पद की चाह में मर्यादा और विचारों को सूली पर चढ़ाने से नहीं चूकते। पर मजे की बात यह है, जनता फिर भी ऐसे लोगों का चुनाव करती है। चौपाल में, गांव के चौपाल पर पांच लोगों के साथ बैठकर कान में खुसर खुसर एक एक चौपाल पर जाकर कान में कहते हैं, भैया अपने राष्ट्रवाद को जीवित रखने के लिए ऐसे पदरूप लोगों को गले लगाती है, जबकि जिन्होंने अपने जीवन का लंबा वक्त इस पौधे को वृक्ष बनाने में गवा दिया, उन्हें राज्यसभा की सदस्यता तक तो छोड़िए, जिला मंत्री तक का पद नहीं मिल पाता है। बड़े अचरज की बात है, यह आज पता लगा है कि 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सिंधिया को जनसंघ की सदस्यता दिलाई थी। उन्होंने गुना से अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में हराया भी था, मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब मध्य प्रदेश का यह राजनेता बड़ा गिरगिट बनने के साथ ही बड़ा राष्ट्रवादी भी हो जाएगा। कि बदला नहीं लेकिन बदलाव जरूरी है। वैसे यह भाजपा का कौन सा रूप है जिसे अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं में राष्ट्रवाद नजर आता है? सत्ता लोलुपता है या फिर सत्ता विलुप्तता का डर है? पर जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी जरूर हो रही है। राष्ट्रवाद की परिभाषाएं बदलने की ऐसी कोशिशें यकीनन चौंकाती है। विपरीत विचारधारा के लोगों को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना या यूं कहे कि सिर पर चढ़ा लेना कि प्रांत की सत्ता पर एकाधिकार हो जाएगा, स्वस्थ राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। यह एक सौदा है और राष्ट्रवाद में ऐसे सौदे तर्कसंगत नहीं हुआ करते। अब जिन लोगों को सिंधिया के बयान स्मरण नहीं है, उन्हें पहलू खान प्रकरण में उनके द्वारा हिंदुओं को लगाई गई लताड़े ध्यान रखनी चाहिए, मगर पाला बदलते ही सब भुला दिया जाता है। शायद इसीलिए देश की जनता की कमजोर इस स्मृति का फायदा उठाकर राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये तो वही बात हुई जो राष्ट्रवादी कल सिंधिया को कोसते थे, वही आने वाले दिनों में उनके भीतर के राष्ट्रवादी को अपने अपने हिसाब से सामने लाते दिखाई देंगे। यानी सिंधिया के साथ उनकी स्मृति भी कमजोर पड़ती जाएगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि कल दिग्विजय सिंह भाजपा में आते हैं तो उन्हें भी राष्ट्रवादी का तमगा मिल जाएगा, उनके बयानों और विचारधारा को भी विस्मृत कर दिया जाएगा। सिंधिया ने आर्टिकल 370 पर पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार का समर्थन जरूर किया था, मगर साथ ही कहा था सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। यानी दिखावा और बहकावा दोनों पलटे बराबर किए गए थे। 13 नवंबर 2018 को इसी सिंधिया ने कहा था, केंद्र में मोदी, यूपी में योगी और एमपी में शिवराज ढोंगी है। सिंधिया उन नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने पुलवामा पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे। यानी अब इनके पाला बदलते ही बयान भी बदल जाएंगे, इनकी विचारधारा भी बदल जाएगी। पर सवाल यही है कि ऐसे दल बदलू बहरूपियों को जनता चुनती क्यों है? जनता ने तो उन्हें भाजपा के खिलाफ चुना था। इस पैसे वाले ने तो जनता के मुंह पर ही कालिक पोत दी।
वैसे जितने कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए बाद में उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई, मगर सिंधिया को कुछ ज्यादा ही अहमियत दी जा रही है। शायद यह भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश की सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा है, पर यह राष्ट्रवाद पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, उन लोगों को भी पीड़ा देता है जो भाजपा में वर्षों से सेवादार रहे हैं। जब सिंधिया ने राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए थे, आज वह हर प्रकार की दृष्टि से पाक साफ हो सकता है, पर यह राजनीति का दूसरा पहलू है जो कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशान करता है जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत में अच्छी राजनीति की उम्मीद करते हैं, क्योंकि सवाल जनता पर भी उठते हैं, आलोचकों और समर्थकों पर भी उठते हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं के साथ साथ उन्हें भी अपनी सोच की कुर्बानी देने को मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता यह वीडियो किसे पसंद आएगा और किसे नहीं, पर मैं खुद को रोक नहीं सका, इसलिए किसी को पीड़ा पहुंचे तो क्षमा करिएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।